आज हम बात करेंगे आईपीएल के 31st मैच के बारे में, जो कि होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। अब ये मैच होने वाला है बहुत ही मजेदार। आपको पता है क्यों? क्योंकि जो भी मैच जीतेगी वो बन जाएगी टेबल टॉपर इस टूर्नामेंट में। अब अगर राजस्थान जीतती है तो उनके 12 पॉइंट्स होंगे और वो हो जाएंगे टेबल टॉपर, लेकिन अगर कोलकाता जीतती है तो उनके होंगे 10 पॉइंट्स, लेकिन उनका रन रेट बहुत अच्छा है इसीलिए वो हो जाएंगे हमारे टेबल टॉपर। तो ये मैच देखना बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे सारे ऑडियंस के लिए, तो मैच देखना ना भूलें। इस मैच से रिलेटेड सारे स्टैट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देख लें। बीच में हुए हैं टोटल 27 मैचेस, जिनमें से केकेआर ने जीता है 14 मैच और राजस्थान ने जीता है 11 मैचेस और दो मैच हुए हैं टाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। अब मैच होने वाला है ईडन गार्डन्स में, जो कि एक बैटिंग फ्रेंडली पिच भी है और बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है हमारे स्पिनर्स को। अब ये मैच और पिछले मैचेस की अगर हम बात करें तो काफी हाई स्कोरिंग गेम्स भी हुए हैं, तो इस मैच में भी हम यही उम्मीद करेंगे कि हाई स्कोरिंग गेम्स हो और स्पिनर को मदद करें, और जो भी कैप्टन टॉस जीतते हैं उनको पहले फील्डिंग कर लेना चाहिए। Now we'll talk about the players to watch out for Kolkata Knight Riders, it's Sunil Narine। अब Sunil Narine के बैटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो वो बहुत ही बेहतरीन बैटर बन गए हैं, क्योंकि अब वो ओपनिंग आते हैं और वो इतने अच्छे शॉट्स भी मारते हैं सारे बॉलर्स को, इरिस्पेक्टिव ऑफ whoever the bowler is in front of him, और काफी कॉन्फिडेंटली वो बैटिंग तो करते ही है। अब बॉलिंग के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, मिस्ट्री स्पिनर तो है ही वो हमारे, तो इसीलिए फॉर KKR इट्स Sunil Narine। रियान पराग की अगर हम बात करें तो उनके इस सीजन के सारे परफॉर्मेंसेस बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत रहे हैं। उनके लगातार 3 मैच में 3 फिफ्टीज भी हैं और वो ऑरेंज कैप होल्डर के लिस्ट में भी हैं, शायद सेकंड में हैं, तो इसीलिए वो राजस्थान रॉयल्स इट्स रियान पराग। Now we'll talk about the players battle। अब पहला बैटल है हमारा आंद्रे रसल और युजवेंद्र चहल के बीच में। अब आंद्रे रसल ने 41 बॉल्स में 81 रन स्कोर किया है, जबकि चहल ने उन्हें बस एक बार आउट किया है। द नेक्स्ट बैटल इज बिटवीन श्रेयस अय्यर वर्सेज ट्रेंट बोल्ट। अब ट्रेंट बोल्ट के 42 बॉल्स पे अय्यर ने 50 रन स्कोर किए हैं, जबकि बोल्ट ने उन्हें एक बार आउट किया है। द नेक्स्ट बैटल इज बिटवीन संजू सैमसन वर्सेज सुनील नरेन। अब सुनील नरेन के 82 बॉल्स पे सैमसन ने 66 रन स्कोर किया है, जबकि नरेन ने उन्हें 3 बार आउट किया है। द लास्ट बैटल इज बिटवीन रियान पराग वर्सेज आंद्रे रसल। आंद्रे रसल के 6 बॉल्स पे रियान ने 12 रन स्कोर किए हैं, जबकि रसल ने उन्हें एक बार आउट किया है। Now we'll talk about the upcoming milestones. तो श्रेयस अय्यर को चाहिए और 2 boundaries to complete his 250 boundaries in IPL. The next player is Yuzvendra Chahal. He just requires 2 more wickets to complete his 200 wickets in IPL. The next player is Sanju Samson. He requires 7 sixes to complete his 200 IPL sixes. The next player is Shreyas Iyer. He is just 95 runs away from completing his 3000 IPL runs. The next player is Shimran Hetmeyer. He is just 17 runs away from completing his 4000 T20 runs. The last player is Ravichandran Ashwin. He's just 6 catches away from completing his 50 IPL catches. Now I'll be giving you 2 combinations of fantasy teams. Do choose one according to your wish. So our first team is Josh Butler, wicketkeeper, Sanju Samson, wicketkeeper, Phil Salt, wicketkeeper, Shreyas Iyer, Yashasvi Jaiswal, Sunil Narine, captain, Andre Russell, Rian Parag, vice captain, Mitchell Stark, Yuzvendra Chahal and Trent Bolt. पहली टीम पसंद ना आए तो आप दूसरी टीम ले सकते हैं, और हमारी दूसरी टीम है जॉस बटलर विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर कैप्टन, फिल सॉल्ट विकेटकीपर, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, सुनील नरेन, आंद्रे रसल वाइस कैप्टन, रियान पराग, मिचेल स्टार्क, युजवेंद्र चहल एंड ट्रेंट बोल्ट। इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो क्रिक ट्रैकर की वेबसाइट में जाना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए, और जाते जाते बताइए कि सुनील नरेन आज कितना स्कोर करेंगे। थैंक यू। Thank you.